हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में कभी कोई सांप घुस जाए तो कैसे उस सांप को आप बहुत ही सेफली घर से बाहर भगा सकते हैं। तो अक्सर घर में सांप घुस जाने से घर के सभी सदस्य भय के माहौल में रहते हैं, बच्चे तो घर में भी जाना पसंद नहीं करते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सांप को घर से बाहर भगा सकते हैं। वैसे अगर घर में कभी भी सांप घुस जाए तो इसमें दो सिचुएशन होते हैं। पहले सिचुएशन में अगर घर में कोई सांप घुस आया हो जिसको आपने देखा भी हो और वो सांप आपके नजर के सामने घर के किसी कोने में छुपा बैठा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सांप को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, कैसे आप घर से भगा सकते हैं, हम इस सिचुएशन को पहले डिस्कस करेंगे। और सांप के केस में एक दूसरा सिचुएशन भी होता है, जब घर में कोई सांप घुस आया हो, आपने उसे एक बार देखा भी हो, लेकिन उसके बाद अचानक वो सांप घर में किसी छोटी सी बिल में या फिर किसी ऐसी जगह पे जाकर छुप गया हो जो आपकी नजर से दिख नहीं रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में सांप को ढूंढकर और फिर घर से बाहर भगाना काफी मुश्किल होता है। और ऐसे सिचुएशन में घर के सभी सदस्य दुगनी भय के साए में रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक केमिकल है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिस केमिकल के प्रॉपर यूज से सांप खुद ही आपके घर से बाहर भाग जाएगा। तो कौन सा है वो केमिकल जिससे आप बहुत ही आसानी से घर से किसी भी सांप को भगा सकते हैं, कहाँ मिलेगा वो केमिकल और कितनी कंपोजिशन में कैसे इसका यूज करना है, आज इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहले सिचुएशन के बारे में। जब कोई सांप आपके घर में घुस जाए और किसी कोने में छुपा बैठा हो तो ऐसे सिचुएशन में आप उस सांप को कैसे रेस्क्यू करेंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सांपों की जितनी भी प्रजाति होती है वो सभी काफी शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं। वो इंसानों से मुठभेड़ करना या फिर इंसानी बस्तियों में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने शिकार की तलाश में इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी किसी भी इंसान को बेवजह नहीं काटते। काटते उसी सिचुएशन में है जब अगर आप किसी सांप को छेड़ रहे हो या फिर आपके शरीर का कोई अंग या पांव उस पे गलती से आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ही सांप काटते हैं, क्योंकि सभी सांप इंसानों से बचना चाहते हैं, सिवाय एक दो सांपों की प्रजाति के जो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जैसे कि सौ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर। लेकिन जो तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस तरीके से उन सांपों को भी आप बहुत आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं और अपने घर से भगा सकते हैं। सांपों की जितनी भी प्रजाति होती है वो एक कलर से काफी शर्मीले होते हैं और वो कलर है ब्लैक यानी काला। और जिस सांप की मैं बात कर रहा था जो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जैसे सौ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर, और ये सांप भी काले रंग से काफी डरते हैं। तो कभी भी आपके घर में कोई सांप दिखाई दे तो आप कोशिश करें कि काले रंग का कोई कपड़ा या फिर काले रंग के चादर से उसे ढक दें। ऐसा करने से सांपों को लगता है कि इंसान हमें देख नहीं रहे हैं और वो चुपचाप चादर के नीचे ढके बैठे होते हैं। और फिर इसके बाद आप अपने इलाके के किसी अच्छे स्नेक रेस्क्यूअर को या फिर वन विभाग को नोटिस करके सांप को ले जाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में वन विभाग की सर्विस ना हो तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी बड़े से डंडे से या फिर स्नेक रेस्क्यू टॉन्ग के सहारे सांप को पकड़ के घर से बाहर छोड़ सकते हैं। या फिर अगर ऐसा करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप किसी बड़े से डंडे के सहारे सांप को उठाकर किसी बड़े से प्लास्टिक की बाल्टी में डाल सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी स्मूथ होने के कारण सांप उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है, सांप उसमें बाहर भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी ज्यादा स्मूथ होने के कारण उसमें लेस फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से सांप उसमें मूवमेंट नहीं कर पाता है। और फिर ऐसा करने के बाद आप बाल्टी के मुंह को किसी कपड़े से बांध दें और इसके बाद आप उस बाल्टी को लेकर इंसानी बस्तियों से दूर किसी बड़े जंगल में सांप को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण में इंसानों का बचे रहना जितना जरूरी है, सांपों का भी रहना उतना ही जरूरी है। सांप हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो मेडिकल इंडस्ट्री में सांपों के वेनम से बनती है। और अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन
लेसन की, जब अगर कोई सांप आपके घर में घुस आए जिसको आपने एक बार देखा भी हो लेकिन उसके बाद अचानक वो घर के किसी ऐसे कोने में छुपकर बैठ गया हो या फिर किसी छोटे बिल में घुस गया हो जहां से उसको निकाल पाना या फिर आपको ढूंढने में काफी तकलीफ हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप सांप को कैसे रेस्क्यू करेंगे या फिर ऐसे सिचुएशन में आप सांप को कैसे अपने घर से भगाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए एक केमिकल है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और वो केमिकल होता है फॉर्मेलिन और दूसरा केमिकल होता है अमोनिया। ये दोनों ही काफी सस्ती केमिकल होते हैं जो आपको किसी भी अच्छे केमिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो अब जान लेते हैं कि हम इस केमिकल से कैसे सांप को भगा सकते हैं, इस केमिकल का यूज कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जिनको कि फॉर्मेलिन और एमोनिया से काफी तकलीफ होती है। सांपों को फॉर्मेलिन और एमोनिया की स्मेल से भी काफी दिक्कत होती है। तो अगर कभी भी सांप घर में किसी ऐसी जगह पे छुप जाए जिसके बाद आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी कंटेनर में 50 ml फॉर्मेलिन लें और फिर 20-30 ml उसमें एमोनिया मिला दें। मैं आपको फिर बता दूं कि ये दोनों ही केमिकल आप लिक्विड फॉर्म में लें और फिर इन दोनों ही केमिकल का डाइल्यूशन करने के बाद उसे किसी अच्छे स्प्रेयर में डाल दें और फिर घर के हर कोने कोने में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। और फिर ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि महज 10 से 15 मिनट में सांप खुद ही घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो जितनी जल्द से जल्द हो वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि सांपों को फॉर्मेलिन से काफी तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी अगर सांपों को घर से बाहर भागने का रास्ता नहीं दिख रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में आप स्नेक रेस्क्यू टोंग या फिर किसी बड़े डंडे के सहारे सांप को घर से बाहर भगा सकते हैं। और फिर एक बार सांप आपके घर से बाहर निकलने के बाद आपके घर से काफी दूर भागने की कोशिश करेगा। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपका घर ऐसे किसी इलाके में है जहां अक्सर सांप निकलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सांप ज्यादातर गर्मी से लेकर बरसात के मौसम में निकलते हैं क्योंकि ये मौसम उनके शिकार का टाइम होता है। तो ऐसे मौसम में आप इस केमिकल का डाइल्यूशन बनाकर जिस तरीके से मैंने बताया है उसी रेशियो में अपने घर के चारों तरफ छिड़काव करवा दें, जिसे आप वीक में एटलीस्ट एक बार करा सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपके घर में सांप नहीं घुसेगा। और ये केमिकल्स जो मैंने डिस्कस किया फॉर्मेलिन और एमोनिया, ये काफी सस्ती केमिकल होती है जो आपको किसी भी अच्छे केमिकल स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लेने में परेशानी हो तो मैं इनको परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर आप स्नेक रेस्क्यू टोंग लेना चाहते हैं तो उसके परचेज करने का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सांपों से जुड़ी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर अगर आप कोई और जानकारी चाहते हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।